नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन जा रही हमसफर एक्सप्रेस के B11 कोच की छत पर युवक लेटे हुए कानपुर सेंट्रल पहुंच गया। करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचने पर मामले की जानकारी हुई। इसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिक OHE बंद करके उसे नीचे उतारा गया। इसके चलते करीब 20 मिनट ट्रेनों का परिचालन ठप रहा और 50 मिनट तक सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रही। युवक को गिरफ्तार कर RPF ने जेल भेज दिया। बताते चले RPF थाना प्रभारी BP सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 12572 हमसफर एक्सप्रेस सेंट्रल स्टेशन पर निर्धारित समय देर रात 12:50 पर प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर पहुंची। इस दौरान पता चला कि इंजन के बाद पांचवे कोच B11 की छत पर एक युवक लेटा हुआ है। उपनिरीक्षक असलम खान ने टीम के साथ नीचे उतारने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिक बंद कर युवक को नीचे उतारा गया। इस दौरान स्टेशन परिसर और आउटर तक 20 मिनट तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। पूछताछ में युवक की पहचान फतेहपुर के बिंदकी तहसील के फिरोजपुर गांव निवासी राम लखन खिलावन के बेटे दिलीप कुमार के रूप में हुई। RPF थाना प्रभारी ने बताया कि युवक दिल्ली से कानपुर तक कोच की छत पर लेट कर आया है। अगर बीच में रास्ते में वह खड़ा होता तो OHE की चपेट में आने से हादसा हो जाता। ट्रेन के पेंटो इंजन तक विद्युत पहुंचाने का माध्यम और OHE क्षतिग्रस्त होने से बड़ा हादसा हो सकता था। रेल अधिनियम की धारा 156 के तहत आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 3 महीने की कैद और ₹500 जुर्माने की सजा हो सकती है।